अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आपको ट्राउज़र में सेंटर लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। एक तो सेंटर लेस वो होती है जो कपड़ा कट करके लगाते हैं, लेकिन ये दो आधे इंच की लेस है जिसको मैंने दो तरफ रख कर उसको चौड़ी 1 इंच की लेस बनाकर लगाया है। और इसको कट करके नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैंने इसे कपड़े के ऊपर ही लगाया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह पहले हमने कपड़े के सेंटर में रख के इसको इस तरह से कपड़े में फिट कर देना है। इस तरह से सिलाई लगा देनी है एक बुट के हिसाब से। इस तरह लेस इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और गुम की सिलाई के साथ भी फिक्स हो जाएगी। तो अब आप चाहें तो इसमें ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं लगा सकते। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है, अंदर की तरफ फिक्स हो चुकी है लेस। तो मैंने लेस को बिठाने के लिए अच्छी तरीके से सफाई के लिए तो ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह बैठ जाए। तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह से आपको नए नए तरीके आइडियाज़ मिलते रहें ड्रेसेस के हवाले से। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से ये लेस हम कंप्लीट कर रहे हैं सिलाई लगा कर। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि दूसरी लेस, इसी लेस को मैं इसी की तरफ साइड में मुँह करके ऊपर स्टिच कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह बैठ जाए। ये हमारी लेस लग चुकी है दूसरी साइड पे भी। अब इसको भी हम जैसे पहले वाले को अंदर फिक्स किया था लेस को, इसको भी इस तरह से ऊपर अंदर की तरफ करके फोल्ड ऊपर एक बूट की सिलाई लगाएंगे जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी अंदर लेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे बहुत इजीली आसान तरीके से लेस लग जाती है और कपड़े में खिंचाव भी नहीं आता। अब इसके ऊपर भी लेस सिलाई लगाई हूँ ताकि लेस अच्छी तरह हमारी बैठ जाए। इसको आयरन कर देंगे तो इसे बिल्कुल फिक्स लेस हो जाएगी सफाई के साथ। अब हम ये पैंचा है, पैंचे भी हम लोग गुम सिलाई के साथ ही लेस लगाएंगे। तो इस तरह पहले हमने ऊपर एक पट्टी की तरह, एक नीचे ट्राउज़र है ऊपर लेस लग के और फिर ऊपर एक पट्टी काट के 2.5 इंच की इसके ऊपर हम लगा रहे हैं, रख के लेस लगा रहे हैं एक बोर्ड की। ये देखिए लेस लग चुकी है और बिल्कुल सफाई के साथ, ना कपड़ा खींचा ना लेस खींची। अब हमने पैंचे को 1 इंच के हिसाब से कपड़ा अंदर फोल्ड करके ऊपर हमने आयरन कर दिया है जिससे इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से कपड़ा बैठ जाएगा और ऊपर अच्छी तरीके से सिलाई लग जाएगी और इससे बहुत ही अच्छी सफाई आती है। तो अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ इसका कैसा लग रहा है। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए और लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिए आके। ये देखिए इसका फाइनल लुक है, गुम सिलाई के साथ लेस लगी है, कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद हम लोग पैंचों को फोल्ड कर शलवार को हम लोग अंदर की तरफ सिलाई लगा के देखें, कंप्लीट लुक आपको नज़र आ रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।